पंजाब के चार वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं, सुखजिंदर सिंह जी रंधावा जो AICC प्रभारी हैं राजस्थान के, राजा अमरिंदर सिंह वरिंग जो हमारे PCC अध्यक्ष हैं पंजाब में, सरदार प्रताप सिंह बाजवा जो हमारे CLP लीडर हैं पंजाब में, और विजय इंदर सिंगला जी जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं पंजाब सरकार में। मैं पहले बाजवा जी से गुजारिश करूंगा कि आपको संबोधित करें, उसके बाद अमरिंदर वरिंग आपको बताएंगे, उसके बाद रंधावा जी बोलेंगे और अंत में सिंगला जी कुछ कहेंगे। हमारे बीच में AICC के पंजाब के प्रभारी हरीश चौधरी जी भी मौजूद हैं। तो बाजवा जी शुरू कीजिए। बहुत ही परम सत्कार योग प्रेस के सभी भाई और बहन एकत्रित हुए हैं और कांग्रेस के इस बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेनरी सेशन में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है जो सारे हिंदुस्तान के लोगों के लिए बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस रखता है, उस पर हम आपसे चर्चा और अपना पार्टी का स्टैंड और अपना स्टैंड क्लियर करना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, और आपको बहुत अच्छी तरह इसका इल्म भी है, हजारों सालों से पंजाब जो है इस महान देश का, जैसे कहते हैं कि कोहिनूर रहा है, ताज में कोहिनूर, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेट्स फ्रॉम इंडियाज परस्पेक्टिव, बिकॉज वी आर अ बॉर्डर स्टेट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। और पंजाब में लगातार आपने देखा देश की आज़ादी के बाद पंजाबियों को बेतरहाना मुश्किलों का सामना करना पड़ा, वो 47 में हो, चाइना की वॉर का बॉर्डर थोड़ा सा अलग था, मगर उसके बाद डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन 65-71 और फिर स्पेशली जो 70s और 80s का दौर पंजाब में जैसे हालात बने, उन हालात को कैसे सेसेशनिस्ट और फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस के खिलाफ अगर किसी ने लड़ाई दी तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने दी। और आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, तकरीबन 2500 लीडर हमारे सरपंच से लेकर चीफ मिनिस्टर तक पंजाब को और देश की यूनिटी और इंटेग्रिटी के लिए, उसको बाहर रखने के लिए अपनी महान कुर्बानियाँ दी हैं। पंजाब रिकवरी की तरफ कई सालों से चल रहा है, बट अब चंद हफ्तों से या चंद महीनों से हमने देखा है, और आपको, क्योंकि आप तो नेशनल प्रेस हो, आपको बहुत अच्छी तरह जानकारी है कि पंजाब में बहुत लंबे अरसे से कुछ इंटरनेशनल फोर्सेस भी, एजेंसीज भी और नेशनल एजेंसीज भी कई दफ़ा काम करती है। आज जिस मुद्दे पर मैं डायरेक्टली अब आना चाहता हूँ वो है, जो दो दिन पहले एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट, मैं समझता हूँ, एक हालात बने। अजनाला हमारा बॉर्डर का एक शहर है जो हिस्सा है अमृतसर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट का, ये इंटरनेशनल बॉर्डर से क्रो फ्लाइट से तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर पर है, और आप बहुत अच्छी तरह जानकारी रखते हैं कि जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है पिछले सालों में इन्होंने कानून में तब्दीली की, पहले इनका कंट्रोल तकरीबन 10 किलोमीटर तक था, अब इन्होंने तकरीबन 50 किलोमीटर इंटरनेशनल बॉर्डर से जीरो लाइन से 50 किलोमीटर थ्रू आउट पंजाब, पठानकोट से गुरदासपुर, गुरदासपुर से अमृतसर, अमृतसर से तरनतारन, तरनतारन से फिरोजपुर और फाजिलका, ये इंटरनेशनल बॉर्डर पर कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन बनती है तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल अलॉन्ग विद द पंजाब पुलिस, क्योंकि पंजाब पुलिस स्टेट की पुलिस है। पंजाब में अमन और शांति बहाल रखना वो सबसे पहली दायित्व या ड्यूटी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की, पंजाब पुलिस की ड्यूटी। ये जो
दो दिन पहले आपने ऐसी चीज देखी, मेरा ख्याल क्योंकि हम तो 80 और 90 के दहाके में बहुत एक्टिव थे, जितने स्टेज पर बैठे हुए हैं मेजॉरिटी लोग वो हैं जिन्हों की फैमिलीज ने उस तब अपना खून निशावर किया देश की यूनिटी और इंटेग्रिटी के लिए। हमने वो देश सारा दौर वो देखा और कैसे वापस भंगड़ा और गद्दा फिर शुरू हुआ पंजाब में और कैसे रिकवरी शुरू हुई। मगर अनफॉर्चुनेटली जो ये हालात बन रहे, ये क्लियर कट मुझे ऐसे बात ये नजर आ रही कि जैसे ये पहले काम शुरू हुआ था अब डायरेक्टली उन्हीं लाइंस पर ये काम शुरू हो रहा है। कुछ लोग जो फंडामेंटलिस्ट कह सकते हैं, धर्मधारा से जो तअल्लुक रखते हैं, उन लोगों ने दो दिन पहले एक केस में, किडनैपिंग के केस में अमृतपाल से उनके साथियों पर केस रजिस्टर किया गया। अमृतसर पुलिस पर एक वहां उन पर शिकायत आई कि कोई हमारा आदमी किडनैप कर लिया है, और वो जो सभी सपोर्टर्स हैं अमृतपाल सिंह के, उसमें से एक इनका सपोर्टर जिसका नाम लवप्रीत सिंह तूफान है, उसको पुलिस ने तहकीकात की और उसके बाद उसको अरेस्ट किया। तीन चार दिन पहले अमृतपाल सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चेतावनी दी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कि मैं कल इस वक्त अपने आदमी को छुड़ाने आ रहा हूं, 24 घंटे के बाद हजारों साथियों के साथ जो लेंस थे पूरे, जिनके पास वेपन्स भी थे, कृपाने भी थी, हर किस्म का हथियार था, लाठियां भी थी, और आकर फुल फ्लेज्ड अटैक जो है अजनाला के पुलिस स्टेशन पर कर दिया। पहली दफा हुआ है 75 साल के इतिहास में। हमने बहुत बुरा दौर भी देखा है, उस दौर में भी कभी ऐसा नहीं था हुआ कि कुछ फोर्सेस जो हैं पुलिस स्टेशन पर कब्जा कर, उस पर कब्जा किया, कई घंटे वहां रहे और पंजाब की पुलिस की एडमिनिस्ट्रेशन को अपनी शर्त बनवाई, जो अमृत जो इनका साथी लवप्रीत सिंह तूफान है वो जेल में था, अगर थाना में होता तो वो साथ ही ले जाते, और पुलिस ने उनको फिर ये जुबान दी कि आप कृपा कर कर पुलिस स्टेशन से अपना कब्जा हटा दें, हम आपके आदमी को इनोसेंट घोषित करते थे। अगले दिन इनोसेंट घोषित किया और मजिस्ट्रेट से जेल से उसको रिहाई कर दी गई। देखो सबसे मैं जो कहना चाहता हूं, दिस इज बोथ अ फेलियर ऑफ द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। सेंटर का इसलिए क्योंकि बीएसएफ बॉर्डर पर है, एनआईए लगातार पंजाब में कई जगह पर छापे मार रही है, और अमृतपाल सिंह ने चंद दिन पहले, आप हैरान होंगे, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को भी इस बात पर वार्न किया, और वार्निंग के बावजूद भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पर रिएक्ट नहीं की। और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जहां तक मैं बात बताना चाहता हूं, आज के दिन तक चीफ मिनिस्टर भगवंत मान ने कोई स्टेटमेंट तक नहीं दी। डीजीपी की कल की स्टेटमेंट है कि सीसीटीवी कैमरास जो हैं हम उससे पता करेंगे कौन कौन से आदमियों ने कब्जा किया और उन पर एक्शन लिया जाएगा, और अमृतपाल सिंह ने आगे से स्टेटमेंट दी है कि अगर हमारे किसी नए लोगों को आप उन पर केस रजिस्टर करोगे हम फिर से आएंगे और फिर ऐसे ही छुड़ा कर लेकर जाएंगे। सबसे पहले आज हम भगवंत मान को पूछना चाहते हैं, भगवंत मान जी आप बदलाव की बात की, पंजाब के लोगों की जिंदगी उनका माल सुरक्षित कौन करेगा? एक तरफ तो आप इन्वेस्टमेंट का समिट कर रहे हो, उसी दिन पंजाब के चंद किलोमीटर दूर बॉर्डर पर डिसइन्वेस्टमेंट का समिट चल रहा है, अगर ऐसे हालात हो गए इन्वेस्टमेंट कहां से आएगी? ये कंप्लीट फेलियर है। और अब पंजाब के लोगों को ये बात का यकीन दिलाना चाहते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस
पहले भी आपके साथ खड़ी रही, आज भी आपके साथ खड़ी होगी, और जो फोर्सेस पंजाब को कमज़ोर करना चाहते हैं या हिंदुस्तान को कमज़ोर करना चाहते हैं, हम उनका कड़ा मुकाबला करने के लिए 24 घंटे तैयार हैं। एक बात मैंने आखिर में करनी है, उसके बाद बाकी के हमारे साथी बोलेंगे। एक बहुत बड़ी रहत मर्यादा जो है, उसका सवाल मैं उठा रहा हूं कि गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप जो ये लोग साथ लेकर गए, ये पहली दफा हिस्ट्री में हुआ कि गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप साथ लेकर गए, और मैं अकाल तख्त के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी को और सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष को ये बात पूछना चाहता हूं कि सिख मर्यादा की जहां वायोलेशंस होती उसमें आप अपना स्टैंड क्लियर कीजिए। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां भी कहीं वायोलेशंस हैं वहां आपको स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा। कुछ जगह पर यह भी बात कही गई है और मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, इवन एट वॉर टाइम्स, वॉर के वक्त में भी हमेशा गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश वहां किया जाता है जो पीस जोन होता है, बैटल जोन में कभी नहीं किया जाता। तो ये जो बात हुई है इसको सारी नेशनलिस्ट फोर्सेस को इकट्ठा होना पड़ेगा, सारी नेशनलिस्ट फोर्सेस और सारी पॉलिटिकल जमातों को। ये भगवान भगवंत मान जी अगर ये समझ लें कि मैं आंखें बंद कर लूंगा और जवाब कोई और देगा, ये ना पंजाबियों को मंजूर है ना हमें मंजूर। तो इतना ही कहता हुआ मैं अपने साथी, शुक्रिया बाजवा जी। राजा वरिंग। धन्यवाद जयराम जी, धन्यवाद साथियों। बहुत महत्वपूर्ण अधिवेशन है और आप गंभीरता समझ सकते हैं कि आज आपके साथ इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम सब तमाम पंजाब के लोग आए हैं। तो जैसा कि प्रताप जी ने कहा, मैं उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं दो चार चीजें आपके सामने रखनी चाहता हूं जो क्या हो रहा है पंजाब के अंदर हाल ही में। ये जो अमृतपाल सिंह हैं, मैंने आज से एक मेरे पास चिट्ठी है जो मैंने डीजीपी पंजाब को लिखा था 8 अक्टूबर को, दिस इज अ लेटर, और ये मेरे ट्विटर अकाउंट पर भी चिट्ठी है अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के नाम से। तो मैंने ये कंसर्न शो किया था कि आप अमृतपाल सिंह की एक्टिविटीज के ऊपर, इसका मैं आपके बीच में इसकी कॉपी रख देंगे हम लोग, मैंने कंसर्न शो किया था कि कृपया आप अमृतपाल की एक्टिविटीज के ऊपर नजर रखें, हमें कोई आपत्ति नहीं है कि अगर अमृतपाल सिंह धर्म का प्रचार करें, सिखी का प्रचार करें, लोगों को इतिहास के बारे में बताएं और ज्यादा से ज्यादा लोग मुख्य धारा में आएं। हमें चाहिए कि कोई सिखी का प्रचार करने वाला व्यक्ति हो, लेकिन जिस प्रकार की घटनाक्रम अमृतपाल जी द्वारा और कुछ ऐसी बातें कि हमें आजादी चाहिए, हम आजादी लेकर रहेंगे और हमें एक अपना अलग से नेशन चाहिए, हम उन चीजों का विरोध करते हैं, और आप लोगों का फर्ज बनता है बींग ए डीजीपी पंजाब कि आप उस पर नजर बनाए रखें ताकि जो कोई ऐसी चीज ना हो जो पंजाब के लिए आने वाले दिनों में वो पुराने दिन जो 40 साल पहले का दौर जिसमें पंजाब ने बहुत कुछ खोया है। आज भी जिस प्रकार से बाजवा साहब ने कहा कि कोहिनूर का हीरा, आज भी हम 40 साल बाद भी उस काले दौर की वजह से पछड़े हुए हैं, ये मेरा मानना है और ये पंजाब के लोगों का और जनता का मानना है। और रोजाना ऐसी घटनाक्रम और ऐसी बातें आती रही और मेरे को कहीं ना कहीं मेरे मन में लगा कि शायद
देश के होम मिनिस्टर का भी पीछे एक बयान आया था, देश के गृह मंत्री गुजरात का जब चुनाव हो रहा था उन्होंने कहा था कि मैं चिंतित हूं कि पंजाब के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक नहीं है। मैं आज उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर आप चिंतित थे तो इस प्रकार के घटनाक्रम पंजाब के अंदर क्यों हो रहे हैं, और अगर आपको पता था कि पंजाब का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता जा रहा है तो आप लोगों ने क्या उसके लिए कदम उठाए। मैं आपको कहना चाहता हूं ये बहुत खतरनाक लड़ाई चल रही है। राजनीति में आने के लिए और सत्ता में पहुंचने के लिए पंजाब के अंदर पंजाब के लोगों को बांटा जा रहा है। कहां से अमृतपाल आया और अमृतपाल कौन है, किस प्रकार से नया आता एक लड़का दुबई में रहने वाला जो दुबई से वापस आया और अचनचेत अचानक उसका इतने फॉलोअर्स और वो खालिस्तान की बात करने लगे और उनके ऊपर कोई रोक टोक नहीं। और इवन पंजाब सरकार ने यह भी कहा हुआ है कि जब मूसेवाला का कत्ल हुआ था वो सिंगर थे, उन्होंने ये कहा था कोई शरेआम हथियार लेकर नहीं घूम सकता, अगर कोई व्यक्ति शरेआम आइदर लाइसेंस हथियार भी है तो घूमेगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इसके बावजूद भी अमृतपाल जी के साथियों को बहुत सारे लाइसेंस मुहैया कराए गए और आज भी वो खुलेआम वो उनका प्रदर्शन करते हैं। लेकिन ये चल क्या रहा है, मैं इसके पीछे की आपको कहानी बनाना चाहता हूं। ये लेटर, अचनचेत व्यक्ति का आना, अचनचेत व्यक्ति का ये कहना कि हमें आजादी चाहिए, चल रहा है कि किसी ना किसी तरीके से पंजाब के अंदर हम काबज हो जाएं। आपने सुना होगा कि गवर्नर साहब की लड़ाई और मुख्यमंत्री साहब की लड़ाई भी चल रही है। गवर्नर साहब बॉर्डर का दौरा कर रहे हैं, गवर्नर साहब ये पूछ रहे हैं कि भाई ये बताओ कि आपने प्रिंसिपल्स सिंगापुर कैसे भेजे, लेकिन गवर्नर साहब बॉर्डर का दौरा कर रहे हैं, ये नहीं पूछ रहे कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है और जो अजनाला का घटनाक्रम है ये क्यों हुआ है और जो राज्य सरकार है वो इनकम्पिटेंट है 100% आर चीफ मिनिस्टर। आज के दौर में मेरे को लगता है कि सरकार जो है वो सोई हुई है और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के दबाव में उनसे मिली हुई है, इसलिए ये तमाम पूरे अंजाम को इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। अब अजनाला में पुलिस कहती है कि आज हमने उस व्यक्ति को छोड़ दिया। भाई अगर FIR गलत किया था तो आपने FIR गलत किया क्यों, मैं सवाल पूछना चाहता हूं पंजाब सरकार से। अगर आपने तूफान सिंह को छोड़ा, डिस्चार्ज कराया तो FIR दर्ज क्यों किया और जिसने किया उसको दोषी क्यों नहीं ठहराया कि गलत FIR किया है। और अगर आपने तूफान सिंह को दबाव में उसने गलती की थी FIR दिया और छोड़ दिया तो ये उससे भी बड़ा गुनाह है। और ये बाजवा साहब जो कह रहे थे आतंकवाद का दौर देखा, मैं छोटा सा था 84-85 का दौर, लोग डरते थे, 5 बजे के बाद दुकानें बंद हो जाती थी, 5 बजे के बाद बसों का चलना बंद हो जाता था, जो व्यक्ति घर से नहीं आता था घर में तो उसकी मां पूछने लगती थी कि आज मेरा बेटा घर आएगा कि नहीं आया, वो रोजाना की सुर्खियां लगती थी अखबारों में, बस से उतार के लोगों के गले काट दिए गए, मार दिए गए। तो ये वो डर का माहौल जो पंजाब के अंदर आज भी बल्कि लोगों को कभी ना कभी उस दौर की बात सोचते हैं तो घबराते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये चल क्या रहा है, कभी उस दौर में भी हमारे पुलिस स्टेशन पर किसी ने कब्जा नहीं किया और कब्जा करने के बाद जिस प्रकार से सरकार और पुलिस सरेंडर दिखी तो मैं उसका बहुत निंदा करता हूं कड़े शब्दों में। और आज तक मुख्यमंत्री का कोई इसमें बयान भी नहीं आया। असल में वास्तव में हो क्या रहा है कि केंद्र सरकार चाहती है कि किसी ना किसी तरीके से
हालांकि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का 15 किलोमीटर 50 किलोमीटर का एरिया भी बढ़ा दिया है। आप एनआईए की रेड तो करते हैं, आप सीबीआई की रेड तो करते हैं। अगर आपको पता है, अगर देश के गृह मंत्री को पता है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है, तो फिर आप क्यों नहीं कार्रवाई करते? आप क्यों नहीं ऐसा कुछ करते जिससे पंजाब के लोगों को राहत मिले? असल में क्या है, ये सब राजनीति हो रही है पंजाब के लोगों के साथ। क्या हो रहा है कि हम किसी ना किसी तरीके से पंजाब के हालात खराब होंगे तो फिर हम कोई ना कोई ऐसी बात करेंगे जिससे हमारा राज आएगा। अगर हमारा राज आएगा तो फिर उस राज्य से हम अपना सिक्का पंजाब के अंदर कायम करेंगे और आने वाले दिनों में पंजाब के अंदर सरकार बनाने की फिर हम कोशिश करेंगे। ये लालसा केंद्र सरकार के मन में है। हमारी सरकार तो फेल हो चुकी है, तो हम आपके माध्यम से पंजाब के लोगों को कहना चाहते हैं, जो कांग्रेस पार्टी है उसका कुर्बानियों का इतिहास रहा है। 92 में मेरे को याद है, मैं छोटा था, जयराम जी कोई चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं था, कोई चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं था। आतंकवादियों ने यह कह दिया था कि अगर जो चुनाव लड़ेगा उसका गला काट दिया जाएगा, अगर कोई वोट डालने जाएगा उसको मार दिया जाएगा। एक कांग्रेस पार्टी, सारी पार्टियों ने बायकॉट किया, चाहे वो अकाली दल था चाहे कोई और दल था, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोग चुनाव लड़े और मात्र हजार हजार वोट से, 700 वोट से वो एमएलए बने, सरकार बनी और शहादत दी हमारे मुख्यमंत्रियों ने, एमएलओ ने, जैसा कि बाजवा साहब ने कहा है, 2500 लोगों ने शहादत दी और फिर हमने दोबारा पंजाब के अंदर शांति बहाल की। और आज भी हम दावे से कह सकते हैं, हम मर जाएंगे, हम मिट जाएंगे, हमें कुछ भी झेलना पड़ा अगर तो झेलेंगे, लेकिन पंजाब के लोगों को, पंजाब के निवासियों को, चाहे वो किसी धर्म के लोग हैं, उनको आज हम नहीं आने देंगे। धन्यवाद। शुक्रिया राजा रंधावा जी। शुक्रिया जयराम जी। मैं तो एक सीधी बात कहूंगा कि जो पंजाब में हुआ है वो बिल्कुल इंटेलिजेंस फेलियर है और रेडिकल मॉब जो जा रहा था उसको रोकने के लिए पंजाब गवर्नमेंट और बीएसएफ तीनों का, अजनाड़ा में जो इंसिडेंट हुआ है उसमें तीनों का फेलियर है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो होम मिनिस्टर हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनके बयान के बावजूद वहाँ पंजाब में वो कैसे चल रहा है, एक बार से आकर, दुबई से आकर कैसे पंजाब में रेडिकल मूवमेंट चला रहा है, कैसे उसको फ्रीली वो घूम रहा है। और जो सबसे बड़ी बात है कि आप देखते हैं कि इंटेलिजेंस, वो एक दिन पहले कहता है कि मैं आऊँगा और वहाँ आदमी छुड़वा कर लेकर जाऊँगा, और वैसा ही उसने किया। आज तक पंजाब में 3 बार इंसिडेंट हुए हैं। पहला इंसिडेंट सिद्धू मूसेवाला, उसके ऊपर कोई चीफ मिनिस्टर की स्टेटमेंट नहीं। उसके बाद आरपीजी अटैक हुआ इंटेलिजेंस ऑफिस पर, वहाँ डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सीएम की कोई स्टेटमेंट नहीं। और जो कल का हुआ है उसके ऊपर भी डीजीपी की स्टेटमेंट है, चीफ मिनिस्टर की उस पर भी स्टेटमेंट नहीं है। मैं सीधा एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, जैसे बाजवा साहब ने कहा कि राजा वड़िंग जी ने कि अकाल तख्त के जथेदार, बिल्कुल जथेदार साहब से पूछना भी चाहते हैं, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की कि वो आज तक चुप क्यों है। अगर वो आदमी गुरु ग्रंथ साहब को लेकर उसकी ढाल बनाकर वो पुलिस स्टेशन में जा रहा है, सिख कौम को उसके अगेंस्ट खड़ा होना चाहिए कि बिल्कुल ऐसा काम नहीं हो सकता कि कोई गुरु ग्रंथ साहब को लेकर कोई गलत आदमी को छुड़ाने के लिए जाएगा, ये बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये टोटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो सिक्योरिटी थ्रेट है, पंजाब हिंदुस्तान का हेड है, सिर है, सर है, अगर वो गिर जाएगा तो जो बॉडी है वो उसको किसी काम की नहीं रहेगी। हमें पंजाब को सबसे पहले लेना चाहिए और जो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट इसकी वजह से आया है, इसको इमीडिएटली कांग्रेस और दूसरी पार्टी जो हैं
जो हमारे साथ हैं, हम इसको कंडेम करते हैं और चाहते हैं कि जो भगवंत मान और बीजेपी दोनों मिलकर पंजाब का पीस है उसको खत्म करना चाहते हैं, वो हम कभी नहीं होने देंगे। थैंक यू। शुक्रिया रंधावा जी। अंत में विजय इंद्र सिंगला, जो पूर्व मंत्री हैं और अभी AICC में सचिव हैं। धन्यवाद जयराम जी। मेरे सभी कॉलीग्स ने इस घटना के बारे में और जो पंजाब की स्थिति है या जो पंजाब में पश्चात के अंदर हालात रहे उसके बारे में आपके सामने बात रखी, और मैं ये समझता हूँ कि आप सब लोग भी पंजाब को, पंजाब के लोगों को, पंजाब की मेहमानवाजी को, पंजाब के अंदर जो माहौल है उसको आप अच्छे से समझते हैं। और जब पश्चात के अंदर ये बात पंजाब में आज से 40 बरस पहले हुई तो पंजाब का शहरी, दुकानदार, छोटा व्यापारी, MSME, बड़ा कारोबार करने वाला जो इंसान, जो साथी था, उसके मन के अंदर डर और भय की भावना पैदा हुई और इसी कारण से बहुत सारे लोग पंजाब को छोड़कर अपना कारोबार बाहर के प्रदेशों में करना शुरू कर गए थे। ये बहुत गंभीर स्थिति है। जो व्यापारी वर्ग के लोग प्रदेश की सरकार के लिए, देश की सरकार के लिए आर्थिक मजबूती पैदा करते हैं, आर्थिकता के अंदर अपना हिस्सा डालते हैं, जब वो लोग पंजाब से बाहर चले जाएंगे या वो अपना कारोबार पंजाब से बंद कर देंगे, उनके मन के अंदर डर की भावना बैठ जाएगी तो शायद पंजाब दोबारा प्रगति की ओर नहीं बढ़ पाएगा। तो मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि इस सब बातों को देखते हुए पंजाब के अंदर एक अच्छा माहौल रहे, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री आए, इन्वेस्टमेंट समिट की बात पंजाब में हो रही थी, अगर इस प्रकार की घटनाएँ पंजाब की सड़कों में खुलेआम होंगी तो शायद मुझे नहीं लगता कि कोई भी कारोबार करने वाला व्यापारी जो बाहर के प्रदेश के अंदर कारोबार करता है वो हमारे प्रदेश के अंदर आकर, पंजाब के अंदर आकर अपनी इन्वेस्टमेंट करने की सोच रखेगा, क्योंकि उसको हर वक्त इस बात का डर रहेगा कि उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सुरक्षित है या नहीं, और उसके साथ जहां पर पंजाब का आर्थिक नुकसान होगा, इस देश के अंदर जो आर्थिक टैक्स के रूप में पैसा इकट्ठा होता है उसका नुकसान होगा, वो एक गंभीर बात होगी। और जैसे पंजाब ने पिछले 40 बरस पहले लोगों ने भुगता था, आज पंजाब के लोगों के मन के अंदर, शरीर के अंदर इतनी ताकत नहीं कि वो लोग दोबारा ऐसी बात को दोबारा अपने जहन में रख सकें। तो मैं प्रदेश की सरकार को और देश की सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि ये पंजाब एक अलग किस्म का प्रदेश है, जिसके साथ बॉर्डर जुड़ा है, जिसके साथ पूरे देश की आस्था और भावना जुड़ी है, प्यार और सत्कार जुड़ा है, उसकी इस मर्यादा को बरकरार करने के लिए, कायम रखने के लिए जो ऐसे लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज हो रहे हैं उसके ऊपर सख्त से सख्त रोक लगनी चाहिए, ताकि पंजाब के जो लोग हैं, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के लोगों ने एक वक्त में अपनी कुर्बानी देकर, बहुत सारे पंजाब के लोगों ने अपने उस खून के दौर के अंदर अपनी जान को कुर्बान कर दोबारा पंजाब के अंदर अमन और शांति को बहाल किया था, उसी प्रकार से आज हमें सब लोगों को मिलकर इस बात के ऊपर पहरा देना चाहिए। और मैं इस बात पे विश्वास से कहता हूं कि ना कभी कांग्रेस पार्टी ने पहले आंच आने दी है, ना आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी पंजाब की अमन शांति के ऊपर आंच आने देगी। इतनी बात कहता हुआ मैं अपनी बात को विश्राम देता हूँ। धन्यवाद। शुक्रिया विजय। सवाल सिर्फ इसी मुद्दे पर हम लेंगे, इसी मुद्दे पर जो हमारे चार वरिष्ठ नेताओं ने आपको संबोधित किया है। हाँ, एक एक करके प्लीज माइक दीजिएगा यहाँ सामने वाले। हाँ, हेलो हेलो राजा जी, मेरा आपसे सवाल है। मेरा नाम पीयूष मिश्रा है, APN न्यूज़ से हूँ मैं। आपने अभी कही जो बातें वो सीधा शांति से जुड़ा हुआ मसला है पंजाब का। एक तरफ आप आरोप भी लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और आप पार्टी पर, और दूसरा आप गिवअप भी कर दे रहे हैं और कांग्रेस को हारी हुई मान रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें एक साथ कैसे हो सकती हैं, जब महाधिवेशन में आए हैं, कांग्रेस आज 23 और 24 की रूपरेखा बना रही है और अभी से आपने ये गिवअप कर दिया है। मैंने कहा आपको गिवअप किया, कैसे लगा आपको कि हमने गिवअप कर दिया है? हमने तो गिवअप किया ही नहीं, हमने कहा है कि इस प्रकार का घटनाक्रम हम पंजाब के अंदर हरगिज़ होने नहीं देंगे, भले हमें अपनी जान की कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। हमारे पूर्वजों ने अपनी जान की कुर्बानी देके पंजाब को
जलने से बचाकर रखा है। हमने गिव अप ना किया है और ना ही कांग्रेस पार्टी ने हमें कभी सिखाया है गिव अप करना, हमें लड़ना सिखाया है। हम लड़ेंगे और अंतिम चरण पर तक लड़ेंगे। जी यहां माइक दीजिएगा अमरीश, गिव द माइक, मूव फास्टर यार प्लीज, यहां माइक दीजिएगा सामने, यहां यहां दीजिएगा। I have simple question to the panelist. Amritpal ka ye kehna hai ke we are representing the Khalistan sentiments. It cannot be suppressed by force. To is par kya kahenge aap log? What do you want to say about it? Khalistan sentiments, sir. So, you want to say something or I should say? Hum kisi ki bhavna ko suppress nahi kar rahe, lekin ye 99.9% पंजाबियों की भावना ही नहीं है, ये अमृतपाल की भावना हो सकती है, लेकिन तमाम पंजाबी जो चाहते हैं, पंजाब के लोग चाहते हैं, वो शांति प्रिय हैं। हम हिंदुस्तान में खुश हैं, हमें खालिस्तान नहीं चाहिए, उसी पंजाब से मेरा ताल्लुकात है। अमृतपाल जी के कहने से कि हम खालिस्तान लोगों की भावना है उसको सप्रेस नहीं कर सकते, मात्र आधा परसेंट भी ऐसे लोग नहीं होंगे पंजाब के अंदर। पंजाब के लोग अमन और शांति चाहते हैं और हिंदुस्तान चाहते हैं। हेलो, आपका जवाब राजा जी ने तो दिया है। देखो मैं आप तो आपको एक बात क्लियर कर देना चाहूंगा, पंजाबी जो हैं वो 100% सेक्युलर हैं, नेशनलिस्ट हैं। हिंदुस्तान को जब भी जरूरत पड़ी है चाइना बॉर्डर्स तक हमेशा पंजाबियों ने अपनी छाती सामने डाली, और कोई भी ऐसी मूवमेंट में कोई पॉपुलर सपोर्ट नहीं है। हमारे लिए देश की यूनिटी सबसे इंपॉर्टेंट है कांग्रेस के लिए, बाकी चीजें सारी बात की हैं। सोचें तो हर देश में कुछ ना कुछ सर्टन परसेंटेज होती है, पंजाबी 100% आर नेशनलिस्ट, दे आर सेकुलर एंड दे आर द पर्सन जिन्होंने सबसे जब शील्ड बनेंगे देश के लिए और जब भी जरूरत पड़ी है दे हैव बीन द शील्ड ऑफ इंडिया। So you should be rest assured, ये नेशनल प्रेस को हम बता रहे हैं ग्राउंड रियलिटीज ऑफ पंजाब, पीपल आर कंप्लीटली नेशनलिस्ट, दे आर नॉट विद दीज काइंड ऑफ एलिमेंट्स एंड दीज काइंड ऑफ एलिमेंट्स, दैट्स व्हाई आई हैव नेवर जॉइंट इन एनी इलेक्शन फ्रे। आप देखिए कभी इलेक्शन कितनी हुई है, कोई इनमें से नहीं लड़ेगा। फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, फ्रिंज एलिमेंट तो हर देश में, दुनिया के हर देश में ऐसे घूम रहे हैं। मेरा नाम सुखबीर सिंह होतरा है, मैं CG24 न्यूज से हूँ। मेरा ये कहना है कि कल और परसों में जो पंजाब में घटनाएं घटी हैं वह अच्छी नहीं है। हाँ, मेरा सवाल है उसी पे ही है कि क्या कांग्रेस पार्टी इस मामले को लेकर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को कोई पत्र लिखेगी या लिखा गया है आपने? मैं एक मिनट, SGPC को पहले भी कहा है, मेरा ख्याल है कि पंजाब में जथेदार अकाल तख्त को कई बार मैंने बाय नेम लेटर्स लिखी हैं। अब जो मैंने कहा है कि SGPC श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का अब बनता है कि वो गुरु ग्रंथ साहब की कैसे रिस्पेक्ट करवाएंगे उनको, जे लोगों में सिख संगत गुरु नानक नाम लेवा जो संगत है उसमें जाना पड़ेगा कि गुरु ग्रंथ साहब की रिस्पेक्ट और जो हमारे शब्द गुरु है उसकी सेवा कैसे करनी है। ऐसे जो एंटी नेशनल लोग हैं जो गुरु ग्रंथ साहब को साथ लेकर कोई ऐसा गलत काम करना चाहते हैं, गुरु हमें रास्ता दिखाता है, गुरु हमें हिंसा नहीं दिखाता। गुरु गोबिंद सिंह जी के टाइम में गुरु साहब ने लड़ाइयाँ लड़ी, वो ग्रंथ साहब को साथ लेकर नहीं, वो आप उन्होंने अकेले लड़ाई लड़ी। इसका मतलब मैं इतनी बात इसलिए कही है कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसको अपना स्टैंड स्पष्ट करना पड़ेगा। मैं इसको एडिशन करते हुए आपको ये बताना चाहता हूँ कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दोहरे मापदंड अपना रही है और
ये उन्होंने प्रस्ताव पास किया हुआ है पारित कि किसी ऐसी जगह पर जहां पर झगड़ा है, जहां पर कोई डिस्प्यूट है, वहां पर आप गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी को लेकर नहीं जा सकते, उनका प्रकाश नहीं करवा सकते। ये उनको अपने आप कॉग्निजेंस लेना चाहिए कि हमने जब श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने कहा है कि किसी भी झगड़े वाले स्थल पर आप गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की बीड साहब को लेकर नहीं जा सकते, तो फिर आप क्यों लेकर गए हैं, कारण क्या है, उनको तलब करना चाहिए हरमंदर साहब अकाल तख्त पर। बाजवा जी, एक सवाल का जवाब चाहिए कि आपको क्या लगता है कि भगवंत मान जो है वो असफल मुख्यमंत्री साबित हो रहे हैं या फिर वह जान बूझ करके ऐसा नहीं करना चाह रहे कि स्थिति पंजाब की ठीक रहे। देखो, एक बात मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं, भगवंत मान डायरेक्टली जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की ब्लेसिंग्स इसके साथ। देर आर वेरियस रीजंस फॉर इट विच आई विल नॉट लाइक टू डिस्क्लोज टूडे। आई हैव सेड दिस ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस इन द विधानसभा ऑल्सो, ही इज इन अ टेसिड अंडरस्टैंडिंग विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। So whatever is happening, you must closely, what we are trying to tell you is, both the state and the union government are both responsible. There is a set pattern to it. Bhagwant Mann is in every way being protected by them. And I want to tell you one thing. Last time when he was offloaded the Lufthansa from the Lufthansa aeroplane, because of certain reasons, I had then sent a mail to the civil aviation minister, please take a report from Lufthansa. They did not do that. It has been proven beyond doubt there's a secret tested understanding between these two governments, and the results would be, the results have started to come up now. This is what I want. Jairam ji, ye aapko angrezi hindi mein bata do sir. Haan ji, samajh aa gayi, nahi to hindi mein I can translate. Ho gaya. जी जयराम जी, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि सोनिया गांधी राजनीति से संन्यास लेंगी, इसमें कितनी सच्चाई है? एक क्लेरिफिकेशन चाहिए, क्या सोनिया गांधी राजनीति से संन्यास ले रही हैं? संजीव, इस पीसी के विषय पर सवाल कीजिए, इसे बाहर मत हटिए। हेलो सर, देर आर टू इश्यूज बेसिकली, फर्स्ट वन ऑन पंजाब एंड द सेकेंड वन इज ऑन मिसेस सोनिया गांधी। नो, वी आर टेकिंग क्वेश्चंस ओनली ऑन पंजाब। ओके, ऑन पंजाब, प्लीज डोंट डाइवर्ट द प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन पंजाब। प्लीज डोंट डाइवर्ट संजीव, ऑन पंजाब। संजीव, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, प्लीज आस्क ऑन पंजाब। ऑन पंजाब, प्लीज आस्क। द एटमॉस्फेयर दैट इज बीइंग विशिएटेड इन पंजाब इन द लास्ट 2-3 डेज, हुम डू यू फाइंड रिस्पॉन्सिबल फॉर इट? संजीव जी, डायरेक्टली द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट ऑफ पंजाब बोथ, बिकॉज दिस हैज हैपेंड इन द बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट व्हिच इज डायरेक्टली अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। नंबर टू, ही हैड गिवन अ 24-hour अल्टीमेटम, सो दैट मीन्स द पंजाब पुलिस बेसिकली फेल्ड इन इट्स ड्यूटी टू प्रोटेक्ट इट्स ओन पीपल। सो दैट्स व्हाट इट इज। इनको माइक देना जी, यहां एक मिनट। आप पूछो। सर, आपने जो पंजाब को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पंजाब के तमाम नेता यहाँ मौजूद हैं, कानून व्यवस्था को प्रमुख तौर पर आपने सवाल उठाया है, भगवंत मान सरकार को निशाने पर लिया है, लेकिन सवाल ये है कि जब आप मिलीभगत के आरोप लगाते हैं केंद्र सरकार पर और राज्य सरकार से मिली हुई है कानून व्यवस्था को लेकर, तो क्या ये फिट केस नहीं है राष्ट्रपति शासन लगाया जाए? हाँ जी, क्या ये फिट केस नहीं है राष्ट्रपति शासन लगाया जाए? क्यों? देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो मोटिव है वो हम कभी सफल नहीं होने देंगे। पहली बात, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपना स्टैंड स्पष्ट करना चाहिए कि वो जो एंटी नेशनल लोग बैठे हैं उनके ऊपर वो क्या कार्रवाई कर रही है। जो इंसिडेंट हुआ है वो 50 किलोमीटर के बीच में आता है, जिसका हम विरोध करते रहे कि 50 किलोमीटर को कम करना चाहिए, 10 किलोमीटर तक बीएसएफ का इंटरफेरेंस चाहिए। हर रोज पंजाब में एनआईए के रेड हो रहे हैं, हर रोज ईडी के रेड हो रहे हैं,
बीएसएफ कभी भी किसी घर में किसी विदाउट एनी परमिशन वो रेड करती है, उसने क्यों उसको अमृतपाल को वहां जाने दिया? इसमें डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पंजाब गवर्नमेंट दोनों रले हुए हैं। पंजाब का जो नुकसान कर रहे हैं वो हम कभी नहीं होने देंगे, इसलिए मैं कह रहा हूं कि डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होम मिनिस्टर जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं जो पंजाब में ये घटना हुई है। और आपको क्यों लगता है कि गवर्नरी रूल लगाने से ही जो शांति होगी, सरकार क्यों नहीं शांति लेके आ सकती? और केंद्र सरकार में जब सरकार है तो फिर क्यों शांति नहीं आ सकती? और ऐसा कहीं कोई नहीं है कि जहां पर गवर्नर रूल लगा हो वहां पर शांति आई हो? लोगों की चुनी हुई सरकार है और पंजाब के लोग, ये हरगिज किसी को मंजूर नहीं रहेगा कि पंजाब के अंदर गवर्नर रूल हो और इस प्रकार से घटनाक्रम चले। असम सीएम हिमंत बिस्व शर्मा, ही हैज क्लेम दैट ऑल द सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजीज ऑफ अमृतपाल सिंह दोज आर इंस्पायर्ड बाय राहुल गांधी स्पीच अबाउट यूनियन एंड स्टेट्स। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? हिमंत बिस्व शर्मा तो कुछ भी कह सकते हैं, आजकल तो उन्होंने ठेका ले लिया पूरे देश का। आज जो तीन चार दो दिन पहले घटनाक्रम हुआ आपने देखा होगा, कभी आज तक ऐसे नहीं हुआ। पवन खेड़ा जी को कहां कहां और पहले मेवानी साहब को, उन्होंने बीजेपी का मुकम्मल तौर पर ठेका ले चुके हैं, तो उनकी बात पर मत जाइए। और राहुल गांधी जी जितना कोई नेशनलिस्ट हो ही नहीं सकता, जिन लोगों ने देश के लिए, जिनके परिवारों ने देश के लिए कुर्बानियां दी हों, उनके बारे में अगर आप बात ऐसी करेंगे तो अच्छा नहीं है। सर निशा द्विवेदी, आप शांति की बात कर रहे थे, पर आपके समय में ही पंजाब को उड़ता पंजाब कहा जाता था। मैडम, मेरी आपसे गुजारिश है, उड़ता पंजाब और ये लॉ एंड ऑर्डर, ये दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं। मेरे को लगता कि अगर आज कानून उसके ऊपर भी बात करेंगे जो उड़ता पंजाब की बात कर रहे हैं आप, बात वो और वो जो उसकी शुरुआत हुई थी वो अकाली दल के समय से, जो ड्रग माफिया के बारे में जो उड़ता पंजाब फिल्म बनी वो पूरी दुनिया जानती है, और क्या क्या उसमें हुआ, कौन मुख्य धारा में लोग थे, कौन सत्ता में थे, कौन सरकार में थे, किनको जेल जाना पड़ा, ये जनता भी जानती है और आप लोग भी जानते हैं। वो कांग्रेस के समय का नहीं है, हमने तो उसको कम करने की कोशिश की है। सर गौरव फ्रॉम A1 TV, शुक्रिया सर।